पूरा सेक्टर में ये धमाके पाकिस्तानी बमों के हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में गोलाबारी के दौरान जितने मोर्टार शेल दागे थे उनमें से कुछ फट नहीं पाए थे। अब दूलिया के इस गांव में करीब 14 से 15 ऐसे मोर्टार शेल अलग अलग जगहों पर पड़े हुए हैं। इधर सारे गांव में आस पास पड़े तो फट गया, एक तो इधर पड़ा भी नहीं फटा है, तो एक रास्ते में पड़ा भी नहीं फटा है, तो बहुत नुकसान हुआ है। इधर छावका में पड़े थे, टोकरी में भी पड़े थे। कितने खतरनाक रहते हैं ये शेल? अगर ये साहब बहुत खतरनाक है, ये तो दूर तक मार करते हैं साहब। ऐसे जिंदा बमों के इधर उधर पड़े रहने से गांव के लोग डरे हुए हैं। किसानों के लिए खेत में काम करना मुश्किल हो गया है क्योंकि ये बम कभी भी फट सकते हैं। इसीलिए सेना ऐसे बिना फटे मोर्टार शेल में विस्फोट कर उन्हें खत्म कर रही है। विस्फोट करने से पहले गांव वालों को घर के अंदर रहने की हिदायत दी जाती है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के बाद सेना के इंजीनियरों की देखरेख में इन जिंदा बमों को नष्ट किया गया। मोर्टार शेल के विस्फोट से आसपास ज्यादा नुकसान न हो इसलिए उसके ऊपर रेत की बोरियां रखने के बाद धमाका किया जाता है। कितना इम्पैक्ट, कितना असर होता है इन शेल्स का जब ये फटते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से जहाँ ये शेल पड़ा हुआ था कितना खतरनाक ये होता है, और जब ये फटता है तो किस तरह का आवाज और किस तरह का नुकसान यहाँ होता है। आप देखिए ये वो जगह है जहाँ पर ये शेल रखा हुआ था, और इसके ऊपर सेना ने एहतियातन रेत की काफी बोरियां रखी थी, उसके बावजूद आप देखिए किस तरह का यहाँ पर ये गड्ढा हुआ है। इसके ऊपर करीब दर्जन भर रेत की बोरियां थी, और अब यहाँ पर जो है इस तरह का काम किया जा रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज।